Saint Joseph. Welcome to Saint Joseph YouTube channel. So today we start our new chapter. Chapter number 1. Chapter number name is rational number. So it is very easy chapter for you. So now let's start. So firstly, we already know about natural number, whole number, integers. Okay. But in this class we discuss about rational number. So let's start. What is a natural number? So they start from 1, 2, 3, 4, 5, digits, infinite. Okay. So what is this whole number? Whole number we have in the previous class padha. So the number start from 0. It's called whole number. Now we talk about integer. So integers kya hota hai? Positive and negative 1, 2, 3, 0. Inko hum number line pe represent karte. Now we talk about rational numbers. So what is the rational number? If any number in form of p by q, it means p upon q, is called rational number. We take an example, 2 by 5, it is p and it is q. So, ye kya hai? Humne dekha ki to kya hai? Fraction. Fraction ki form mein hi aa rahe hai na? So, hum kaise bol sakte hain? Ye to matlab like that jo fraction ki tarah dikh rahe hai, wo hamare kya hai? रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है? सो हम इनको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है? और तो बट रेशनल नंबर में कंडीशन होती है, जो हमारा नीचे q होता है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. हम और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2, 3/5, 2/3. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर. ओके, सो हमने क्या बोला, जो रेशनल नंबर होता है ये क्या बोलता है, जो उसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. यानी कि जैसे अगर 2/0, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडिफाइनाइट हो जाएगा. मतलब कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन चला जाएगा इसका आंसर. सो हम सिमिलर जैसे 5/0 है, सो बस के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड, सो इसके आंसर को हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो इसमें भी सिमिलरली हमें इसका आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी कि इसके आंसर को हम फाइंड नहीं कर सकते. तो ये हमने क्या बोला, रैशनल नंबर की बात की. अब रैशनल नंबर में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं. सो वो प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़ कर आए हो, बट वो प्रॉपर्टीज को हम अब नाउ रैशनल नंबर पे अप्लाई करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं, कि जो रैशनल नंबर है अगर मैं इसका एडिशन करती हूँ तो क्या वो रैशनल नंबर में आता है, सबट्रैक्शन करती हूँ तो क्या वो रैशनल नंबर मुझे मिलता है, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में करती हूँ तो क्या वो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मेरा रैशनल नंबर में आता है. तो हम ये चेक करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन पे. सो एडिशन में चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, यानी कि कोई भी टू नंबर्स ले लें. सो एग्जाम्पल 1/2 + 1/2, सो कितना हो गया, इसको ऐड करो. सो ऐड कैसे करते हैं, इस टाइप के नंबर्स को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो 2, सो 1 + 1 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/2. सो 2 × 2, सो इसका क्या है, 1/1 लिख सकते हैं. सो ये क्या है, रैशनल नंबर हमको गेट हुआ. सो नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल, 1/2, सॉरी 1/3 + 2/3, ठीक है, वी आर टेकिंग वन एग्जांपल. सो 3 × 3 = 2 + 2 = 3, सो 3 × 1 = 3, सो 1/1. सो हमने क्या बोला, हमें क्या एक रैशनल नंबर प्राप्त हो रहा है, सो वी गेट नाउ रैशनल नंबर ना. सो वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, 6/5 + 4/5, सो वी आर एडिंग दिस नंबर, 6 + 4 = 10/5, सो 5 तो कितना आ गया, 2. सो ये भी क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके नीचे 1 लगा सकती हूँ, ठीक है. सो अगेन मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 3/4 + 2/4, सो 4 × 3 + 2, 5/4, सो कितना आया, 5/4. सो ये क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है. सो हम क्या बोल सकते हैं, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में सेटिस्फाइड होती है, ठीक है. अब हम बात करते हैं सबट्रैक्शन की. सो सबट्रैक्शन क्या होता है ना,
लिखते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या देखते हैं, ए टू बी करना है, यानी कि कोई भी टू नंबर्स ले लिए, रेशियो नंबर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो 2 × 1 = 2 अपॉन 4 × 2 = 8। सो वी गेट अवर रेशनल नंबर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑन दिस। नाउ वी टॉक अबाउट डिविजन, सो हम डिविजन की बात कर रहे हैं। सो डिविजन में हमने क्या बोला, हमें रेशनल नंबर हमको मिलना चाहिए, सो 3/2 / 1/5। ये मेरे पास कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा हुआ है। सो 5/1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15/2। सो ये भी हमारे पास एक रेशनल नंबर गेट हुआ। बट इन दिस केस डिवीजन में क्या होता है, बहुत सारे बार इस टाइप का नहीं होता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो क्या है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। सो ये क्या देखा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी चारों पे सेटिस्फेक्शन कर रही थी। अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की। सो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या हम बोलती है हमारी, प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे। सो हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट एडिशन वाली प्रॉपर्टी की हम डिस्कस करेंगे। तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी, एडिशन प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस बी, बी बी प्लस ए। अगर मैं इनका कोई भी ऑर्डर चेंज करती हूँ, यही होता है ना इसका मतलब, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब इसका ऑर्डर चेंज करना, यानी कि 2 + 3 करती हूँ या 3 + 2 करती हूँ तो भी आंसर 5 आएगा और इसमें भी आंसर 5 आएगा। ये था नॉर्मल वे में, ठीक है। अब हम रेशनल का ले रहे हैं, 1/3 + 1/3, सो 2/3, ये एक एग्जांपल लिया, ठीक है। सो इसको मैंने एडिशन किया तो भी मेरे पास कितना आया, 3/3, यानी कि 1 आंसर आया, ठीक है। अगर मैं 2/3 को ऐसे राइट करता हूँ, 1/3 को बाद में राइट करती हूँ, यानी कि मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, सो व्हाट वी गेट नाउ, 2 + 1 अगेन 3/3। सो हमने क्या बोला, किनका ऑर्डर चेंज करने पर भी एडिशन में ये इसको सेटिस्फेक्शन कर रही है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ओके। सो ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी थी, ये सब्ट्रैक्शन पर नॉर्मल नंबर्स में होल्ड नहीं करती, सो हम इसमें चेक कर लेते कि करेगी कि नहीं। 2/5 माइनस 1/5, सो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 1/5 मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मैं ऑर्डर चेंज करती हूँ, यानी कि 1/5 को मैं पहले राइट करती हूँ, 2/5 को मैं बाद में राइट करती हूँ, सो क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर डिफरेंट आ जाएगा। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, यानी कि -1/5 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। तो मैंने क्या बोला, जब मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया तो मेरा आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। सो मैं बोल सकती हूँ कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करती है। नाउ वी टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन पे। सो मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन में भी हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती है। सो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन में हम जब बात कर रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b या b मल्टीप्लाइड बाय a, करूंगी तो दोनों आंसर आने चाहिए, यानी कि 3/2 करूंगी तो भी 6 आएगा और 2/3 करूंगी भी तो भी 6 आंसर आएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3/4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आंसर है, 3 × 2 = 6 + 5 = 20, ठीक है। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई 2/5 कर दी, सो व्हाट वी गेट नाउ, अगेन 3 × 2 = 6 + 5 = 20। सो इनका
एग्जांपल है, ठीक है। सो इसको करते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 5/1, सो कितना आ जाएगा 5 × 15/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर चेंज हो, वी आर डूइंग चेंज ऑर्डर। सो अब इसको चेंज कर दिया ऑर्डर को, 1/5 × 2/3, सो कितना आ जाएगा 2/15। सो इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल आंसर आ गया। सो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पे नहीं करती। नाउ वी टॉक अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या लेते थे, 3 नंबर्स लेते थे, ठीक है। सो उसमें भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जब हम एडिशन के लिए बात कर रहे हैं। सो क्या बोल सकते हैं, एडिशन में यानी कि इसमें 3 नंबर लेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है। या तो 2 नंबर को साथ में लिख लो और 3rd नंबर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसका हम क्या करने वाले, ए को ऐसे छोड़ देंगे, बी प्लस सी को हम साथ में राइट कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 3/2 + 5/2 + हाँ, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। सो इसको सॉल्व किया मैंने, तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लिया तो 2 + 8/2 + ½ यानी कि 4 + ½ आ गया, ठीक है। सो इसका एलसीएम आ गया 2 + 4 + 8 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 + 1 यानी कि 9/2 आया, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस टाइप से सॉल्व करती हूँ, यानी कि यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करती हूँ, तो व्हाट वी गेट, 3/2 को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, प्लस राउंड ब्रैकेट में मैंने लिख लिया 5/2 + 1/2, ठीक है। सो एबीसी की वैल्यू तो अब तक पता चल गई होगी आपको। सो अब क्या करने वाले, 3/2 अब वी सॉल्व राउंड ब्रैकेट, सो राउंड ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या है, 6/2, ठीक है। सो 3 आ जाएगा इसको, सो क्या लिख सकते हैं, 3/2 + 3/1, सो व्हाट वी गेट, नाउ वी टेक एलसीएम 3 + कितना आ जाएगा 6, सो कितना आ जाएगा 9/2। सो वी कैन से जो एडिशन में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट टाइम्स को होल्ड करती है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ये सब्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करती है, अब ये मल्टीप्लिकेशन पर होल्ड करती है। आप चाहें तो सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है कि नहीं इसको चेक करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन, सो मल्टीप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो हम कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इन राउंड ब्रैकेट, सो हमने इसको सी को इस बार अलोन कर दिया, ठीक है। अब नाउ हम क्या करेंगे, ए को अलोन कर देंगे, बी एंड सी को साथ में कर लेंगे, ठीक है। सो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अगेन से, 1/2 × 5/2 × 3/2, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, सो व्हाट वी गेट, नाउ 5/4 × 3/2 5 × 15/8। नाउ अब इसमें मैं पुट करती हूँ, यानी कि ए को ऐसे छोड़ देती हूँ, मल्टीप्लाई बी इंटू सी 5/2 × 3/2। नाउ वी सॉल्व राउंड ब्रैकेट, सो 1/2 इज एज इट इज, नाउ 5 × 15/4, सो 15 × 15/8, सो ये हमारा स्टेप से आ चुका है, तो ये डिवीजन पर होल्ड नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, सो अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स के बारे में। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन बोले किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, सो एडिटिव इनवर्स का सिमिलरली मीन होता है p/q में कोई फॉर्म में आपके पास है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसको क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, यानी कि कोई a/4 a/b है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि बेटा का एग्जांपल
टू बाई थ्री, ये क्या है पॉजिटिव है तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, फोर बाई फाइव माइनस का फोर बाई फाइव है किसका हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स यानी कि इसका साइन, अगर ये माइनस का है तो आप प्लस में कर देंगे, प्लस का है तो इसको माइनस में कर देंगे, यानी कि टू है तो माइनस टू, फाइव है तो माइनस फाइव, माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स। आई होप यू क्लियर इट। नाउ वी टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, वी कैन से अदर वर्ड रेसिप्रोकल। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि आपसे बोला जाए 5 by 16, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताइए। सो डू इट।